और मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रथम। बांदीकुई उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोलबा के ग्राम तिगड्डा में जनता पानी के लिए तरस रही है, वहीं पीने के लिए नहीं है कोई माकूल व्यवस्था। ऐसे में जनता हो रही है परेशान, कोई नहीं सुन रहा इनकी आवाज। इस पर आज ग्रामवासियों ने कांग्रेस जिला महासचिव ओबीसी विभाग के राम अवतार योगी को दिया ज्ञापन, साथ ही बताई अपनी अपनी समस्याएं। ग्राम पंचायत कोलवा के ग्राम तिगड्डा में सुनीता देवी वेरवा का इंदिरा आवास योजना में 2011 की लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी आज तक प्रार्थी को इंदिरा आवास नहीं मिल पाया है। वहीं तिगड्डा के विश्राम कन्हैया लाल वेरवा भी सर छुपाने के लिए प्रार्थी घास फूस के छप्पर बनाकर रह रहे हैं और टूटे फूटे कच्चे घरों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार गरीबों को आज तक भी नहीं दे पाई है इंदिरा आवास योजना का लाभ। हमारे टगड्डा गांव में पानी की बहुत परेशानी है, दूर दूर पानी लेने जाता है, बच्चा साथ ले जाता है, बच्चा अनुकूल रोटी नहीं कर पाता है, स्कूल नहीं जा पाता है बच्चा है। हमारे सबसे बोल दिया, कोई सुनाव नहीं करता है। हम पानी पानी में चाहिए, 15 दिन में चाहिए, हमारे पानी की नहीं सुनाव नहीं आएगी तो हम कलेक्ट्री में जाके देना दे दिया। हमारे तिगड्डा गाँव में पानी की बहुत समस्या है और हमारे बिल्कुल पानी नहीं है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, स्कूल जाते हैं तो बेचारा परेशान होते हैं, पानी दूर से लाया जाता है। पानी की समस्या जब नहीं होगी तो हम कलेक्ट्री पे जाके और धरना डालेंगे और कलेक्टर साहब से बोलेंगे कि हमारे तिगड्डा गांव में पानी की समस्या बहुत तगड़ी है। 4 बजे उठे थे, बच्चा को साथ में ले जाता है, बच्चे भी पानी लाता है और स्कूल खंदाते हैं, टिफिन रोटी पैक करता है और हमारा पानी 15 दिन में पानी नहीं होएगा तो हम कल साथ जाएंगे। हाँ जी, पानी की समस्या बिल्कुल कमी आ रही है और सब राजनेता सुख है दियो पर कोई सुनावनी को करन। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, कदे रात में कदे खा खा ले डोला था, 4-5 दिन से एक बार दी समस्या पड़ रही है। हमारे यहाँ पेयजल की बहुत ज्यादा परेशानी है, इधर से है ना जो पीने के लिए पानी नहीं है, हम यहाँ से है ना 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं जी। जो उधर भी पानी है ना जो एक बार लेने जाते हैं वो भी मना कर देता है, हमारे भी पानी की समस्या, इसलिए हम है ना जो पानी के बिना बहुत व्याकुल है। आज तक आपने किसी को बताई? हाँ बताया ना, सरपंच साहब को भी बताया, प्रशासन आया प्रशासन को भी बताया, 5 साल से दोनों हैंडपम्प सूखे पड़े हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी, बहुत परेशानी हो रही है पानी के लिए। आश्वासन नहीं दिया किसी ने भी, खाली झूठा आश्वासन दे के चले जाते हैं लेकिन किसी ने समस्या हल नहीं किया। और बच्चों को ना जो पढ़ने के लिए भी समस्या हमको है, स्कूल नहीं है इधर छोटे बच्चों के लिए। आपके लिए स्कूल भी नहीं है यहाँ पर? स्कूल भी नहीं है, यहाँ से है ना जो 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बच्चों को छोड़ने के लिए, हमको हमारा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, टाइम नहीं होता है फिर भी हम जाते हैं छोड़ने के लिए और लेने के लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।